नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है पन्ने के ऊपर। आज मैं आपको एक डेमो दूंगा जो है कोलंबियन। जाम्बियन की तो आपने डेमो देखी है, आज मैं आपको कोलंबियन की डेमो दूंगा। दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये कोलंबियन है तो बहुत ही मास्टरपीस है, बहुत ही अच्छा पीस है। ये स्क्वायर था, अब मैं आपको इसमें एक ओवल की भी डेमो दूंगा। बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही अच्छा पत्थर। मैं बोलता हूं कि जो कोलंबियन है इसकी ग्रेविटी भी 2.65 2.72 है। रिजल्ट देने में ये भी बहुत सक्षम है दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा है, जाम्बियन से महंगा है। तो दोस्तों बात हो रही है कोलंबियन की। कोलंबियन क्या है, ये कौन सी माइंस हैं जो माइंस इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं? ये क्रूर माइंस हैं। लोग पत्थर ले रहे हैं, बहुत हैवी लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन माइंस की तरफ किसी का ध्यान नहीं है दोस्तों। ग्रेविटी की तरफ तो है ही नहीं। अब ग्रेविटी, जो नए लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है कि मैं उनको बता देना चाह रहा हूं, ग्रेविटी इसकी जान है, इसकी सोल है। अगर आप विदाउट ग्रेविटी पत्थर ले रहे हैं फिर डमी है, 50 लाख की लेके डाल के घूमते रहो, उसका रिजल्ट शून्य जीरो है। मैं आपके साथ हमेशा अपने तजर्बे शेयर करता हूं दोस्तों, कहीं सुनी बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता हूं। अब जैसे मैंने ग्रेविटी का मुद्दा उठाया है YouTube के ऊपर, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग इस चीज को सुन के बोल रहे हैं कि ये क्या है। हमें बहुत बड़े बड़े डीलर्स की कॉल आ रही है, मुझे बोल रहे हैं कि रमन जी ये क्या पंगा डाल दिया आपने ग्रेविटी का, हम तो ऐसे बेच रहे थे। अब बात फिर वही हो गई है, पिछले 100 साल से 200 500 हजार साल से किसी ने ग्रेविटी का मुद्दा ही नहीं उठाया। लोगों का विश्वास क्यों उठ रहा है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से, पत्थरों के ऊपर से? इसी कारण की वजह से उठ रहा है दोस्तों। क्यों? पत्थर ले लिया है, डाला है, मात्र 2% लोग हैं जिनको रिजल्ट आया है, बाकी 98% जो लोग हैं डाल के घूम रहे हैं और 1 2 4 6 महीने बाद उतार के फेंक देते हैं। वो क्या बोलते हैं, नहीं जी ये तो होते नहीं है, ये सब फेक है। तो दोस्तों मैं कभी ये हमेशा बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड द कैलकुलेशन ऑफ मैथ, नथिंग एल्स। हम भगवान थोड़े हैं, लेकिन पत्थर किसी के घर पे नहीं बन रहे, ये भी बने हुए हैं, नेचर ने बना के रखे हुए इनको। पहनेंगे तो रिजल्ट आएगा, लेबोरेटरी टेस्टेड लीजिए। ग्रेविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पत्थर स्टोन। अब जैसे मैंने बताया है जाम्बियन लोगों ने पहना है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं लोगों को। अब जो कोलंबियंस की बात कर रहे हैं तो कोलंबिया का ये पत्थर सबसे बढ़िया पत्थर है। पहनेंगे, इसका धातु क्या है दोस्तों, इसका धातु है चांदी। कॉल्स बहुत आ रही हैं कि रमन जी इसे सोने में पहन ले, जब हमने पहना हुआ है। एक मेरे को लास्ट कॉल आई है थोड़े दिन पहले, वो दिल्ली से थी, कुछ मैं नाम नहीं ले सकता उनका स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छी उनकी वहाँ पे है, और उन्होंने मेरे को बोला कि रमन जी मैंने बहुत ही महंगा पत्थर लिया। उन्होंने मेरे से बात ही कुछ अलग लहजे में करी कि मैंने तुझे इतने का लिया है जी, इसका रिजल्ट नहीं आया, ये है वो है। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से लिया है, उन्होंने मेरे को फिर बताया जी इनसे लिया है। तो मैंने सर्टिफिकेट उनको बोला तो बोले सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी रमन जी, उनका तो नाम ही बड़ा है ज्वेलर का शहर के अंदर। तो मैं खुद हैरान हूं कि इतनी बड़ी फिक्र करने के बाद, पे करने के बाद आप बोलेंगे सर्टिफिकेट ही नहीं चाहिए, फिर तो कमाल की बात हो गई। तो दोस्तों धोखा ना खाएं, चाइनीज बहुत आ चुका है इसके अंदर। चाइनीज पत्थर जो है दिखने में भी ऐसा है, कलर भी ऐसा है। ग्लासमेट भी बिल्कुल ना लीजिए। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको किसी प्रकार की पत्थर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो नीचे स्क्रीन के ऊपर दोस्तों मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यू कैन कॉल मी। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर्स के ऊपर डायल करें, कॉल करें। पर्सनली आप चंडीगढ़ आके विजिट करना चाहते हैं मेरे ऑफिस तो मोस्ट वेलकम। अगर आप दूर बैठे हैं, आना मुश्किल है, तो टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेके आप टेलीफोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नॉलेज मिले, शेयर करें रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजिकल वे से ही आपको बाकी चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी से।
तो मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों एक नए एपिसोड में, नए रत्न के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।